बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिनास किचन में आपको खुश आमदीद। आपने अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह, और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से और खुशो खुर्रम हों, आमीन। यूनिपाफ से जो शीटें मैंने तैयार की थी उनसे आज बन रहे हैं शुगर वाले बिस्किट, जिसको हम पाफ पेस्ट्री भी बोल लेते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदा डस्ट करें। यूनिपाफ की शीट बेलनी है हमने। इसको हमने थोड़ा पतला बेलना है। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले, और ये मैंने पैन पे अच्छा सा ऑयल भी ग्रीस कर लिया है। शीट मैंने पतली सी बेल ली थी। अब इस पे हम चीनी छिड़केंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा छिड़क लें, कम पसंद है तो थोड़ी कम छिड़क लें। साइडें हम ज़रा हीट कर लेते हैं। हाफ उठाएं इधर से, दबा के थोड़ा रोल कर ले। थोड़ा इधर से उठाए, रोल कर ले। फिर इधर से रोल करें, फिर इधर से, दोनों तरफ से आपने रोल करते जाना और सेंटर में ले आना। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने रोल कर लिए। थोड़ा सा दबा लें। साइडें काट लें। एक फिंगर के बराबर आपने काटते जाना। ये हमने काट लिए। उठाएं, थोड़ा सा दबा लें ऐसे, दूसरा उठाएं ऐसे कर लें ऐसे, और इसको दबा लें। इसी तरह हम सारे करते जाएंगे। देखें, इसी तरह मैंने सारे रेडी कर लिए दबा के। अब इस पे चीनी छिड़क लें। अगर आप इस पे अंडा लगाना चाहते हैं या दूध तो वो भी लग सकता है। मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। 160 सेंटीग्रेड पे मैं इसको रखूंगी 25 मिनट के करीब, फिर चेक करते हैं। बिस्किट हमारे रेडी हो गए हैं।
30 मिनट मैंने इसको रखा था ओवन में, 2 मिनट मैंने 200 पे इसको ज़रा गोल्डन कर लिया है। अभी मैं इसको डिश आउट कर दी। देखें ये बहुत आसानी से निकल रहे हैं, अभी गर्म है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक भी। यूनिपाफ के बिस्किट शुगर वाले रेडी हो चुके हैं। 30 मिनट मैंने इसको रखा था ऐसे ही, और 2 मिनट मैंने 200 पे इनको ज़रा गोल्डन किया था। अब मैं आपको इसका क्रंच दिखाती हूँ। ये देखें, ये आवाज़ सुने, इंतहाई मज़े के, बहुत ही टेस्टी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशी से ज़रूर नवाजना। आमीन। अल्लाह हाफिज़।